सांगेतावीश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की एक ट्रेडिशनल रेसिपी पातवड़ी। पातवड़ी खासकर संक्रांति पर गुड़ की रोटी के साथ साइड डिश के रूप में बनाई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, पातवड़ी बनाने के हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल सांगेतावीश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। पातवड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए राई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत जीरा, नमक, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट लिया है, एक कप फुल बेसन लिया है मैंने, और तिल थोड़े से हमें लेने हैं, हरा धनिया, हींग, हरी मिर्च, एक चम्मच हमें शुगर चाहिए और तेल हमें लेना है। फ्रेंड्स, पातवड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैन में 3 चम्मच तेल में ले रही हूँ। तेल इसमें थोड़ा ज्यादा ही हमें लेना है, जिससे कि पातवड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है, और मूंगफली का तेल ले तो बेसन की चीजें बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, तेल अब हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई, और राई फूटने लगे कि तुरंत हमें डालना है 1/4 टीस्पून हींग और हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 चम्मच हमें तिल भी डालने हैं इसमें। गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे और हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और फिर हमें मिक्स कर देना है। हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इस तरह से मिक्स करके, और हम इसमें डालेंगे 2 कप के बराबर पानी। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं एकदम बारीक कट की हुई हरी मिर्च, बहुत एकदम बारीक कट करके मैंने इसमें डाली है। और अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मिक्स करते हैं। पानी को हमें थोड़ा उबलने देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छी तरह उबलने लगा है, थोड़ा सा हम गैस को धीमा करते हैं और हम इसमें मिक्स करेंगे 1 कप बेसन, 1 कप फुल भर के मैंने बेसन लिया है, और इसको हम तुरंत ही इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। गैस को एकदम धीमा करना है और इस तरह से हमें बेसन को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के बाफ से पकाएंगे। फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं, एक बार हम खोलकर चेक कर लेते हैं। मिक्स कर देना है हमको। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया मिक्स करेंगे, और थोड़ा हरा धनिया हमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखना है। मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हरे धनिया से। अब हम इसमें धनिया मिक्स करने के बाद थोड़ा सा तेल ऊपर से इस तरह से डालेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपकेगा नहीं, और हमें इसे और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से कुक करना है, और फिर एक बार हम बीच में इसको चेक करेंगे। फ्रेंड, 3 से 4 मिनट होने आ गए हैं, एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऊपर से हमने जो तेल डाला है, इससे इसका एकदम हल्का फ्लफी टेक्सचर बनता है और स्वाद भी बहुत बढ़ता है। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ। अब हम एक ताली को थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब ये बेसन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है, और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको ग्रीस वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक कटोरी में हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इसको इस तरह से कटोरी से पूरी थाली में प्रेस कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब हम इस पर थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल करते हैं। इसको भी हाथ से थोड़ा दबा देंगे इस तरह, और थोड़ा ये हम इस पर डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। इसको भी हम इस तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस कर देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह चिपक जाएगा।
अब हम इसके मन चाहे शेप में पीसेस कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने डायमंड शेप में कट कर लिया है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी संक्रांति स्पेशल महाराष्ट्रियन रेसिपी पातवड़ी तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये पातवड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।